Hi everyone, hope you guys are doing well. In this video we will discuss कि CAT exam में 99 percentile लाने के लिए आपको individually हर section में कितने questions attempt करने चाहिए, कितनी accuracy के साथ उनको attempt करना चाहिए and in the end of the video I will also share कि कौन section में specifically आप कौन से chapters को completely छोड़ सकते हो और कौन से chapters को ज़्यादा focus में ला के 99 score कर सकते हो। ये attempt और accuracy के numbers based हैं last year के CAT attempt के ऊपर। तो अगर आपको CAT 2020 वन का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखना हो तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस टेबल में आपको ओवरऑल नंबर्स इंडिविजुअली हर सेक्शन के नंबर्स दिख जाएंगे। अब इसमें अगर आप 99 परसेंटाइल वाली रो उठाओ तो आप नोटिस करोगे कि वीएआरसी में 45 मार्क्स, डीआईएलआर में 32 मार्क्स और क्वांट में 36 मार्क्स लाने से आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अब इसी टेबल में हर सेक्शन के ऊपर दिए हुए नंबर को नोटिस करो, वो उस सेक्शन के टोटल मार्क्स थे। अब 99 परसेंटाइल के लिए जितने मार्क्स आपको चाहिए थे अगर आप उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करोगे तो जो परसेंटेज है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सिर्फ 50-60% मार्क्स ही तो चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए, सो देन व्हाई डू आई इवन हैव टू attempt a lot of questions. The issue is कि आप attempt तो 50-60% आराम से कर सकते हो but accuracy 100% नहीं ला सकते हो, which is why there has to be a fine balance between attempt rate and accuracy rate. मैंने भी यही सोचा था कि 100% accuracy maintain करूंगी चाहे फिर attempt 60% ही क्यों ना हो, but ऐसा हो नहीं पाया. The more I started taking mocks, the more I realized कि accuracy rate maintain करना is the most difficult thing. तो जो rule मैंने follow किया that was 80-80 rule, which means कि 80% attempt rate in every section and 80% accuracy rate in every section. अब अगर आप इस चीज को use करो तो मैं आपको table के form में explain करती हूँ कि हर section में कितने marks आते अगर आप 80% attempt करते और 80% accuracy लेते। So जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो DILR और quant में तो ये strategy बहुत अच्छे से work करती और आप definitely score कर सकते थे above 99 percentile अगर आप 80-80 rule follow करते, but issue आता वर्बल एबिलिटी सेक्शन में। सो वर्बल एबिलिटी में जब मैंने भी मॉक्स लेने स्टार्ट किए आई रियलाइज कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए 80-80 रूल भी सफिशिएंट नहीं है। बाकी दोनों सेक्शंस में इट इज स्टिल फाइन, लेकिन अगर आपको वीएआरसी में अच्छा स्कोर करना है देन यू नीड 90% अटेम्प्ट रेट एंड 80% एक्यूरेसी रेट। तो अब अगर आप 90-80 और 80-80 रूल फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली सारे के सारे सेक्शंस में 99 के ऊपर स्कोर करने लग जाओगे। अब मैं आपको तीनों सेक्शंस की कुछ गाइडलाइंस बता रही हूँ अटेम्प्ट करने के लिए जो आपको हेल्प करेंगी ये 90-80% रूल को अचीव करने के लिए। सो वर्बल एबिलिटी में द रूल ऑफ थंब आई हैड वाज कि मैं सारे के सारे आरसीज अटेम्प्ट करूंगी और पैरा जंबल्स छोड़ के बाकी सारे वर्बल क्वेश्चंस भी डेफिनेटली अटेम्प्ट करूंगी, उससे मेरा अटेम्प्ट रेट हमेशा 90% के ऊपर रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्योंकि अगर आपको 80% अटेम्प्ट रेट करना है विच मीन्स आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दैट मीन्स आपको कम से कम थ्री आउट ऑफ फोर सेट्स तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वांट में 80% अटेम्प्ट रेट के लिए आप पुराने कैट के पेपर्स को एनालाइज करके बहुत अच्छे से ये चीज नोट कर सकते हो कि कौन से चैप्टर ज्यादा बार आते हैं और कौन से क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इस चीज को फिगर आउट करने के लिए मैंने जिस बुक को यूज किया है वो है ओसवाल बुक्स की ये बुक विच इज कैट मॉक टेस्ट। इस बुक के अंदर एक ट्रेंड एनालिसिस गिवन है जहां ये शो किया गया है कि हर सिंगल ईयर में हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे। इसके ऊपर एक एनालिसिस मैं अभी डिस्कस करूंगी, बट उन्होंने इसी ट्रेंड को यूज करके 15 ऐसे मॉक टेस्ट बनाए हैं जिसमें सेम पैटर्न फॉलो होता है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसके सोल्यूशन सेक्शन में ये मेंशन है कि हर क्वेश्चन किस चैप्टर और किस टॉपिक से आया है, जिससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आप बार बार किस टॉपिक पे मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो आप सिंपली एक क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो जिससे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी ऑफ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पर्सनली आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू एनीवन जिसको इस समय कैट लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक रिसोर्स चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब जैसे मैंने इस बुक में आपको वो ट्रेंड एनालिसिस दिखाया, अगर आपने नोटिस किया हो उस ट्रेंड एनालिसिस में तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पिक करोगे तो आप 80% अटेम्प्ट इंश्योर कर सकते हो क्वांट सेक्शन में।
वो तीन टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक, एलजेब्रा और ज्योमेट्री। आप इनमें से किसी भी साल के किसी भी स्लॉट का पेपर उठा लो एंड यू वुड रियलाइज दैट इन तीन टॉपिक्स का जो टोटल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टोटल, दैट वाज मोर देन 80% इन एवरी सिंगल स्लॉट। विच मीन्स कि अगर आप इन तीन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो देन देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। नाउ ऑफकोर्स अगर ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ जाते हैं या फिर के मान लो ज्योमेट्री में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो देन क्या होगा? ऑफ कोर्स देयर इज अ रिस्क एलिमेंट इन इट, व्हिच इज व्हाई आई वुड एडवाइस कि अगर तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है देन आप सिर्फ ये तीन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन हेवायर चल रही है, कौन सेक्शन में आपके सारे के सारे चैप्टर्स ही वीक हैं, देन आप इन तीन चैप्टर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो। बाकी सबके लिए इट इज जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस कि आप इसको इस तरह कि इन तीन टॉपिक्स को करने से आप स्टिल 99% की रेस में हो। आप जितना अच्छे से इन तीन टॉपिक्स पे फोकस करोगे, योर लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग 99 विल इंक्रीज। इन्हीं तीन टॉपिक्स के अंडर आने वाले चैप्टर्स भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, वो इसी बुक में मेंशन थे। इनमें से जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स होते हैं ऑनेस्टली वो सबसे ज्यादा डूएबल होते हैं, क्योंकि हमने 10th तक जो मैथ पढ़ी होती है ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल होते हैं, तो यू विल बी एबल टू डू देम वेल। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो अरिथमेटिक के साथ स्टार्ट करना एंड देन आप एलजेब्रा एंड देन ज्योमेट्री पे मूव कर सकते हो। मैं आपको सिमिलर ट्रेंड DILR और वर्बल सेक्शन में भी शो कर देती हूँ, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वर्बल सेक्शन में सिर्फ तीन ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो RCs के अलावा हर साल में आते हैं, तो आपको सिर्फ वही तीन टॉपिक्स हैं जो स्ट्रेंथन करना है। और DILR में हर बार बहुत ही मिक्स टाइप के सेट्स आए हैं, सो देयर इज नो सच स्ट्रक्चर जो आप DILR में फॉलो कर सकते हो। DILR में एक ही तरीका होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो और वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू कि अगर आपको 99% स्कोर करनी है तो आपको कितना अटेम्प्ट विद कितना एक्यूरेसी और कौन से चैप्टर्स को फोकस बना के आगे मूव करना चाहिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम, आप कमेंट्स में उनको डाल दो, वन बाय वन विल टेक ऑल ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज।